दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी मालीना के निवास को लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है। इस समय आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं, मैं 6 फ्लैग स्टाफ रोड से सिविल लाइंस वाला जो आतिशी मालीना जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उनके निवास के बाहर खड़ा हूं। किसी समय ये जो घर था दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का हुआ करता था, जो आज राजनीति के केंद्र में आ गया है। आज इस मामले में देखा गया कि मुख्यमंत्री आतिशी मालीना ने यह आरोप लगाया कि उनके घर को जबरन खाली करवाया गया है और उनका सीधा सीधा आरोप एलजी हाउस पर है और भारतीय जनता पार्टी पर है। आम आदमी पार्टी का यह कहना है कि पहली बार इतिहास में हुआ है कि किसी मुख्यमंत्री का घर ऐसे खाली करवाया गया है। वहीं दूसरी तरफ एलजी हाउस के सूत्रों का यह कहना है कि ये जो घर है ये पीडब्ल्यूडी की पोजेशन है और जब इस घर को खाली किया गया था तो इसकी चाबी पीडब्ल्यूडी को दी जानी थी, वो ना कर इस घर की जो चाबी है वो मुख्यमंत्री आतिशी मालीना को दी गई। उनका सीधा कहना है कि जो घर है सीएम के घर के बतौर अलॉट नहीं हुआ। इस मामले को लेकर देखा जा रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो भी आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रही है, क्योंकि शीश महल घोटाले को लेकर जो ये घर था बहुत लंबे समय पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति का हिस्सा बना हुआ था। वहीं भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जो और भी एजेंसियां हैं इस मामले में जांच कर रही हैं। वहीं एलजी हाउस का आम आदमी पार्टी पर आरोप है, आम आदमी पार्टी का एलजी हाउस पर आरोप है। पर आज शाम को यहां ये भी देखा गया कि पीडब्ल्यूडी के कुछ अधिकारी भी यहां आते हैं और जांच करते हैं, पर आने वाले वक्त में देखा जाएगा कि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति क्या मोड़ लेती है। कैमरामैन शगुन भारद्वाज के साथ अनमोल बाली की दिल्ली से रिपोर्ट।